not to be good. The thing you always promise is true. Darling, I'm burning. No, no, I don't wanna play, play, play God. ये है गीला वाला धोने के बाद और ये सूखा हुआ थोड़ा बहुत सूखा है एंड देन उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम इसको वो बनाते क्या बोलते उसको योश एक लची बताओ योश लों तो अभी हमारे गांव में जौ का सीजन चल रहा है तो सबसे पहले इसको धोने के बाद सूखने के लिए रखा जाता है कुछ दिन एंड उसके बाद इसको पकाया जाता है तो फिलहाल वो तो दिखा दे अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ जहाँ तक मुझे लगता है कि अखरोट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से होती है एंड मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो यहाँ पे ठेकेदार लोग अखरोट जमा करके एक जगह पे रख के दो देते हैं आज मैं वहाँ पे ले जाऊंगा आपको और अखरोट दिखाऊंगा भाई अखरोट कितने सारे होते हैं आप तो चलिए हेलो पर रोड पे गाड़ी होगा i20 मैं और मौली साहब है मेरे साथ हेलो गाइस तो हम चले कुछ हमारा स्क्रिप्ट राइटर आते हुए हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग तो ज्यादा आज की व्लॉग की बात है हम जो चीज दिखाने जा रहे हैं उनमें हेल्प कर रहे हैं हम आ रहे थे रास्ते से उन्होंने कहा हमें भी व्लॉग में ले लो तो हमने कहा चलिए ठीक है अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार जगह मायसेल्फ शाह गिरवानी ओके जगह तो जिस तरह हमने आपसे कहा था कि हम आपको अखरोट दिखाएंगे फाइनली हम उस जगह पे ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है लेकिन इसके बहुत सारे हिस्से हैं एक हफ्ते के बाद अगर आप इस जगह को देखोगे पूरा अखरोट से भरा होगा ये तो अभी ट्रेलर है मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है लेकिन मुझे इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना था इसीलिए मैंने जल्दी इस वीडियो को बना दिया इंतजार नहीं किया तो अभी हम पूरा इंटरव्यू लेंगे यहां से कैसे ये लोग जमा करते हैं धोते हैं सफाई करते हैं और कैसे इनका एक्सपोर्ट आगे जाता है माल वगैरह सब कुछ हम तो फ्री में खाते हैं भाई पहले हम मतलब इसको पेड़ से उतारते हैं अखरोटों को फिर उसके बाद हम बोरी में डाल के इसको जमा करते हैं उसके बाद इसको पूरा मतलब साफ करते हैं औरतें 10-15-20 औरतें आके इनको साफ करती है उसके बाद मतलब इसको सुखा के जो मतलब थोड़ा सा हार्ड होगा उसको दो वो के अच्छे से सुखा के मतलब इसको उठा के बोरी में डालते हैं किस्म तो इसका होते एक सबसे हल्का अखरोट होता है जो मतलब हाथ में लेने से टूट जाए दूसरा थोड़ा उससे हार्ड तीसरा होता है उससे थोड़ा बिल्कुल गिरी कम निकलती और जो चौथा होता है उसमें तो बिल्कुल मतलब कंट्री में बाहर जाके उसका क्या करते क्या नहीं मगर वो ज़्यादा हार्ड होता है इसी तरह तो होता है और इसकी जो गिरी बिल्कुल वाइट निकले माशाल्लाह और सबसे ज़्यादा इसका कीमत होता है हाँ तो भैया जिस तरह मैंने वादा करा था एक थोड़ा अच्छा दिखाएंगे इस तरह यहाँ पे अखरोट की सप्लाई होती है अखरोट जितना खाओ आप खा सकते हो यहाँ पे फ्री में खा सकते हो फिलहाल यार जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है मैंने आज तक कभी अखरोट को खरीद के नहीं खाया फ्री में मिलता है भाई यहाँ पे सिर्फ मेरे को पता है कि बाहर इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मुझे हमेशा डिमांड करते थे कि कहते अखरोट लेके आना जब भी घर जाऊँ तो अखरोट लेके आना क्यों कहते थे वो लोग हम है इस समय अखरोट की फैक्ट्री में दोस्तों आइए ये जितने भी है अभी इन सब की सफाई होगी तो आप सोचे इन ये सब जब बिछेगा यहाँ तो यहाँ पे अखरोट का फर्श होगा है ना मजीद साहब हाँ ये हमारा मजीद साहब तो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कहा कि सबसे साफ अखरोट यहाँ पे ये वाला है तो भैया ये देखिए ये बहुत जबरदस्त हाई क्वालिटी वाली है हाथों से टूट जाता है देखिए देखिए बहुत मजा टेस्टी है मेरा दोस्त अखरोट मुफ्त में खाना होना कश्मीर में इस समय आइए कौन सा महीना चल रहा है सितंबर में अक्टूबर में आइए अक्टूबर में फ्री में मिलेगा हाईवे के पास ओ, ये जो है इनका घर रहता है रास्ते से इन्होंने कहा हमें भी व्लॉग में ले लो तो हमने कहा चलिए ठीक है अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार ओ मौली देना बोल कुछ मायसेल्फ शाह गिरवानी ओके